हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप टैली प्राइम के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इनके डेटा को आप टैली प्राइम से एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहीं पर ही गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर देखेंगे, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे या कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ ई प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से एक्सपोर्ट का ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या ट्रांजेक्शन्स को, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स एक्सपोर्ट करने हैं तो आप मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप ट्रांजेक्शन्स, सारी ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि सारे वाउचर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम इससे बाहर आ जाते हैं। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर जो है बैलेंस शीट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहले हम यहाँ पर जो है बैलेंस शीट पर आएंगे, एंटर करेंगे, और अब आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे या ऑल्ट ई प्रेस कर देंगे। अब जैसे कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को प्रिंट करना है, लाइक बैलेंस शीट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस को, तो पहले आप उसे ओपन कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर बैलेंस शीट को ओपन कर लिया है, फिर आप एक्सपोर्ट पर आएंगे और वहाँ से आप करंट सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो करंट विंडो या जो करंट रिपोर्ट आपने ओपन की होगी, केवल वही रिपोर्ट ही एक्सपोर्ट होगी। तो हम यहाँ से जो है करंट पर एंटर करते हैं। अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है शो परसेंटेजेस, यानी कि जब बैलेंस शीट का डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा तो उसमें परसेंटेजेस शो हो या नहीं। तो आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसे यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है कि जिनका क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, जिन अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, उसे आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे यस या नो कर सकते हैं एंटर प्रेस करके। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, कि जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो कंडेंस्ड फॉर्म में हो या डिटेल्ड में हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। कंडेंस्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो समराइज्ड फॉर्म में आएगा, और डिटेल में आपके पास पूरी प्रॉपर डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। इसके बाद है कि जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल हो या नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे यस या नो कर सकते हैं। फिर है मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। अब जैसे कि नॉर्मली जो बैलेंस शीट होती है उसमें लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज होती हैं और राइट साइड में एसेट्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसेट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में हो और लाइबिलिटीज जो हैं वो राइट साइड में हो, तो आप एंटर प्रेस करके अपने अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है कि आप वर्किंग कैपिटल इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है डिस्प्ले नेम फॉर लेजर्स एंड ग्रुप्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लेजर्स और ग्रुप्स का केवल नाम शो हो तो नेम ओनली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लेजर और ग्रुप्स का कोई अदर नेम है और आप चाहते हैं कि केवल उसका अदर नेम ही शो हो, यानी कि उसका सिर्फ एलियस ही शो हो, तो आप यहाँ पर एलियस ओनली सेलेक्ट कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी नेम आप वहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है शो बेस करेंसी, कि बेस करेंसी शो हो या नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट सेटिंग्स में फाइल फॉर्मेट, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप किस फॉर्मेट में अपने बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक एक्सेल, HTML, JPEG, PDF, XML। तो जिस भी फॉर्मेट में आप अपने टैली प्राइम के डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो फाइल फॉर्मेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक्सेल सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने इस डेटा को किस लोकेशन पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर पाथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अगर चाहें तो कोई ड्राइव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर आते हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये डी ड्राइव में एक्सपोर्ट हो, तो हम यहाँ पर डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद है फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर बी शीट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप अपनी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस करके अपनी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं बैलेंस शीट, एंटर प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो आप कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है शो मोर, इस पर एंटर करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है कुछ और ऑप्शंस भी डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंपनी डिटेल्स का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब आप बैलेंस शीट का डेटा एक्सपोर्ट करेंगे
तो उसमें कंपनी का नेम शो हो या नहीं, कंपनी एड्रेस शो हो या नहीं, इसी तरीके से फ़ोन नंबर, वेबसाइट, CIN, इन ऑप्शंस को भी आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकती हैं। तो अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सेट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आते हैं और अब हम यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है बैलेंस शीट का, वो एक्सेल में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप देखेंगे एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी और आप देखेंगे कि हमारा जो बैलेंस शीट का डेटा है वो एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप टैली प्राइम में रिपोर्ट्स को, अपनी ट्रांजैक्शंस को, मास्टर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस हों उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।